नमस्ते मेरा नाम निशा दोषी है मैं भोपाल से बिलोंग करती हूँ मैं हैंडमेड चॉकलेट्स बनाती हूँ जिसमें मेरे पास ट्वेंटी प्लस फ्लेवर्स हैं अभी क्योंकि दिवाली आ रही है तो दिवाली के लिए मेरे पास क्रैकर्स चॉकलेट हैं जो कि हम बम फोड़ते हैं वही मेरे पास सेम टू सेम चॉकलेट्स में है तो अभी दिवाली के लिए सबसे स्पेशल गिफ्ट रहेगा क्रैकर्स चॉकलेट का जिसमें सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है मिल्क चॉकलेट डार्क चॉकलेट वाइट चॉकलेट और क्रंची चॉकलेट यही सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है और इसके आप जैसे कि सबको दिवाली पे गिफ्ट्स देते हैं uh, uh, मिठाइयाँ देते हैं तो उसकी जगह पर आप क्रैकर्स चॉकलेट दे सकते हैं सबसे बेस्ट गिफ्ट रहेगा क्योंकि ये बच्चों को बहुत पसंद होते हैं बच्चे हों या बड़े हों सबको ही uh, बम फटाके बहुत पसंद होते हैं एक टाइम पर लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि इसको आप हमेशा रख सकते हैं और इससे uh, कोई नुकसान भी नहीं होगा आप गिफ्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है मैं अभी कॉपरेट्स में बहुत जगह ये चीज़ दे चुकी हूँ तो ये गिफ्ट के लिए बहुत बेस्ट रहेगा और आ, आप आ, अगर मुझे चाहते हैं कि ऑर्डर करना चाहते हैं या आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं सोशल मीडिया पर भी हूँ सोशल मीडिया के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कोकोबेक्स अंडर्स को ट्वेंटी के नाम से और आप आ, मेरी जर्नी 2020 में स्टार्ट हुई थी आ, जब लॉकडाउन लगा हुआ था तब मैं फ्री थी तब मैंने सोचा कि कुछ किया जाए तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे यूट्यूब पर देख रही थी फिर मुझे अच्छा लगा कि ऐसे देखते देखते स्क्रोल किया तो देखा चॉकलेट्स हैं तो मैंने सोचा ये बना सकते हैं क्या हम लोग क्योंकि आज तक तो कभी बनी हुई चॉकलेट मैंने देखी नहीं थी ना सुनी थी तो आ, मैंने ऐसी उसका सब ढूंढा सामान और सब समझा कि कैसे क्या उसको बनाया जा सकता है तो उसके लिए फिर मैंने सामान ढूंढा उसके बाद मैंने उसकी ट्राई करी और उसके बाद मैंने उसको घर वालों को और कुछ अपने फ्रेंड्स लोगों को खिलाया तो सबको बहुत पसंद आई तो फिर मुझे उससे थोड़ा सा इंकरेज हुआ कि आ, मैं चॉकलेट्स क्यों ना बनाऊँ क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों को बहुत पसंद होती है साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद होती है तो ऐसे मैंने उसकी शुरुआत करी और अब मैंने उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया हाँ जी मैं सब कुछ घर पर खुद बनाती हूँ सारी चीज़ें मेरा रॉ मटेरियल बाहर से आता है मुंबई दिल्ली से आता है सारा कुछ उसका सामान मैं वहीं से मंगवाती हूँ हाँ आ, जैसे बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं जैसे कि नॉर्मली मेन जो कॉमन फ्लेवर्स होते हैं वो मिल्क वाइट और डार्क होते हैं तो इनके जो बार्स आते हैं उनसे मैं बनाती हूँ इसके अलावा जो मैं फ़्लेवर्स बनाती हूँ जो अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं जैसे कि ड्राई फ्रूट्स होता है पान होता है क्रंची होता है आ, ओरियो होता है ये भी मैं नेचुरल तरीके से ही बनाती हूँ इनमें मैं कोई कलर और केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ क्रैकर्स में क्रैकर्स में आप जैसे कि देख सकते हैं एक अनार है एक अपना लड़ बम है एक सुतली बम है एक रॉकेट है एक लक्ष्मी बम है और एक चक्री है जो नॉर्मली हम फटाके फोड़ते हैं वही सारे आपको मेरे चॉकलेट्स में बम मिलेंगे उस वक्त मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो मेरे ख्याल से सौ से दो सौ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था और आ, अभी मेरी जो मंथली इनकम है वो फिफ्टी टू सिक्सटी थाउजेंड है Uh, जिस हिसाब से मैंने स्टार्टअप किया था उसके कंपैरिजन में अब मेरी काफ़ी अच्छी इनकम है क्योंकि मेरे पास बल्क ऑर्डर्स भी रहते हैं कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो जाता है कभी कभी वन लैक भी पहुँच जाता है तो uh, बल्क ऑर्डर्स मेरे पास काफ़ी रहते हैं क्योंकि मैं ऑल ओवर इंडिया में uh, पूरा मेरा uh, सामान जाता है मेरे चॉकलेट्स जाते हैं और बल्क ऑर्डर्स भी काफ़ी रहते हैं मेरे पास uh, कस्टमाइज भी मैं करती हूँ तो उनके भी काफ़ी ऑर्डर्स रहते हैं मैं सोशल मीडिया के थ्रू इंस्टाग्राम पे हूँ जिस पे मेरी आई है कोकोबेक्स अंडर ट्वेंटी इसके अलावा मैं व्हाट्सअप से भी आ, करती हूँ मैंने ज़्यादातर माउथ पब्लिसिटी और एग्जिबिशंस करके ही अपनी आ, एक पहचान बनाई है आगे का प्लान ये है मेरा कि मैं इस बिज़नेस को बहुत बड़े लेवल पर ले जाना चाहती हूँ क्योंकि सबका ही सपना होता है कि कोई भी बिज़नेस जो भी कर रहा हो उसका बहुत बड़े लेवल पर जाए तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं भी इसको बहुत बड़े लेवल पर ले जाऊँ या तो मैं एक बहुत बड़ी सी शॉप खोलूँ या तो फिर मैं इसको इस कदर आगे बढ़ा दूँ कि भले वो मुझे घर बैठ के करना पड़े या ऑनलाइन करना पड़े पर मैं चाहती हूँ कि जब भी कोई सोचे कि हमें हैंडमेड चॉकलेट्स चाहिए तो वो सिर्फ मुझे याद करें मीन्स कि निशा दोषी को याद करे स्ट्रगल में ये होता है कि आ, मैंने किया है स्ट्रगल आ, कई बार जब मैंने चॉकलेट्स बनाए हैं कई बार खराब भी हुए हैं गर्मी की वजह से क्योंकि गर्मी एक ऐसा सीज़न है जिसमें चॉकलेट्स ख़राब हो जाते हैं तो जब मैंने कुछ एग्जिबिशन्स करे थे जिसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे चॉकलेट्स बनाए थे और जब वो एग्ज़िबिशन में मैं थी और आधे घंटे के अंदर वो गर्मी इतनी थी कि सब कुछ कवर होने के बाद भी वो पूरा मेल्ट हो गया तो मेरा वहाँ पर एक पूरा स्टॉक जो था वो पूरा ख़राब हो गया और उससे मैंने फिर धीरे धीरे सीखा कि हमको गर्मी के टाइम पे कैसे क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए आइस बॉक्स और फ्रिज का हमें इंतज़ाम करना चाहिए है और ऐसा नहीं है बहुत सारी चीज़ों में कितने लोगों ने मुझे बोला कि हैंडमेड चॉकलेट ही तो है इसमें कौन सी बड़ी बात है ये तो हम भी बना लेते हैं तो ऐसे भी बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स भी दिए कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कोई बड़ा काम नहीं है कि इसमें कुछ नहीं रखा है लेकिन मैंने अपने आप को हमेशा ये सोच के रखा है कि नहीं मुझे इसको भले ही काम छोटा हो या बड़ा हो लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट है और मुझे मेरी हॉबी है तो मैं उसको बढ़ा कर रहूँगी तो इस तरीके से और सबसे मेन चीज़ ये कि मुझे जो सपोर्ट मिलता है वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मेरी मम्मी का मिलता है क्योंकि तो वो मेरे साथ हमेशा रहती हैं और हमेशा मेरे को सपोर्ट करती हैं फिर अच्छा हो बुरा हो वो सेकेंडरी होता है मैं अपने इंटरेस्ट के लिए उसको कभी ये नहीं सोचती कि ख़राब हुआ है तो आ, मैं उससे अब आगे कुछ नहीं करूँगी मैं उससे उल्टा और आगे बढ़ती हूँ कि नहीं अब मैं इससे और बेहतर करूँगी आ, नहीं मैंने अभी तक सिर्फ भोपाल में ही एग्जीबिशंस किए हैं बाहर अभी तक मैंने प्लान नहीं किए हैं अब नेक्स्ट ईयर मैंने सोचा है कि मैं अब जो बाहर एग्जीबिशंस होते हैं उसमें भी ट्राई करूँगी क्योंकि मुझे वहाँ का भी एक्सपीरियंस लेना है तो मैंने अभी तक सिर्फ भोपाल में ही करे हैं एग्जीबिशन सारे थैंक यू